आज हम हिंदी वर्ग का पाठ 11 पढ़ रहे हैं, नन्हा पौधा। इस कविता में बताया गया है कि पौधा कैसे बनता है, पौधा अपने बीज से कैसे बाहर निकलता है और उसमें क्या क्या परिवर्तन आते हैं, पौधे के लिए क्या क्या जरूरी है। एक बीज था, गया बहुत गहराई में बोया। एक छोटा सा बीज था जिसको धरती के अंदर बहुत गहराई में बोया गया। उस बीज के अंदर में था नन्हा पौधा सोया। उस बीज के अंदर एक छोटा सा नन्हा पौधा सोया हुआ था। मतलब बीज में से पौधे निकलते हैं ना, इसलिए कहा गया है कि उस बीज के अंदर में, उस बीज के अंदर एक नन्हा पौधा सोया हुआ था। उस पौधे को मंद पवन ने आकर पास जगाया और उस पौधे को ठंडी ठंडी और एक हल्की हल्की पवन ने, मतलब हवा ने, उसके पास आकर उसे जगाया। नन्ही नन्ही बूंदों ने फिर उस पर जल बरसाया। और जो नन्ही नन्ही बूंदें थी, छोटी छोटी जो बूंदें थी पानी की, उन्होंने उस पर जल बरसाया। सूरज बोला, प्यारे पौधे निद्रा दूर भगाओ। फिर सूरज ने उससे कहा कि हे प्यारे पौधे, अपनी निद्रा को, अपनी नींद को दूर भगाओ। अलसाई आंखें खोलो, तुम्हारी आलस से भरी हुई आंखें हैं, उनको खोलो और बाहर आओ। आंख खोलकर नन्हे पौधे ने ली तब अंगड़ाई। जब सूरज ने ऐसा कहा ना, तो नन्हे पौधे ने अंगड़ाई ली और आंख खोली और एक अनोखी शक्ति उसके तन में आई और एक अनोखी शक्ति उसके तन के अंदर आ गई। नींद छोड़ आलस्य त्यागकर पौधा बाहर आया। नींद को छोड़ा, आलस्य को त्यागा और नन्हा पौधा बाहर आया। बाहर आकर संसार बड़ा ही अद्भुत उसने पाया और उसने संसार को बहुत सुंदर और बहुत अद्भुत पाया। इसमें बताया गया है कि पौधा कैसे बनता है। एक छोटा सा बीज हम जब बोते हैं, फिर उसके अंदर पानी डालते हैं, सूर्य का प्रकाश पड़ता है, हवा मिलती है, इन सब चीज़ों से वह पौधा बीज से बाहर निकलता है और बड़ा होता है। आपको इस पार्ट के शब्द लिखने हैं और इस पार्ट के